Hey guys, welcome back to our channel, Italian Twins. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, आज हम reaction देने वाले हैं जिंदगी एक पहेली OST पर, जिसके सिंगर है साहिर अली बग्गा और कंपोजिशन भी साहिर अली बग्गा की है और गाइज लिरिक्स हैं इमरान रजा के। तो चलिए गाइज, ज्यादा देर नहीं करते, पहले OST सुनते हैं, साथ में इंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कतरा कतरा आंसू बनके बहता जाए, है जात मेरी टुकड़ा टुकड़ा जर्रा जर्रा उड़ता जाए। चाहे जितना मैं थामूं ये तो हाथ छुड़ाए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो दिल का सहारा वो ही दिल तोड़ जाए। मेरे रब्बा मेरे रब्बा, दिल नाल मेरे चंगी ना होई। मेरे मलिया छोड़ के जाने वाले कोई आस छोड़ जाते, मेरा टूटा हुआ दिल मेरे पास छोड़ जाते। किस्मतों में लिखे वो सारे लफ्ज ना मिटाते, मेरे जीने के लिए भी कुछ लफ्ज छोड़ जाते। ऐ जिंदगी जरा भी तुझे तरस न आए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो दिल का सहारा वो ही दिल तोड़ जाए। मेरे रब्बा मेरे रब्बा, दिल नाल मेरे चंगी ना होई। जिंदगी खत्म क्यों हो गया यार? पता नहीं यार, ये तो छोटा था यार, और बड़ा होना चाहिए यार। क्या ओएसटी है यार, मजा आ गया यार। गाइस मजा आ गया यार सुन के यार, क्या ओएसटी था यार, क्या लिरिक्स थे। और तो यार कानों में बज रहा है भाई अभी भी, म्यूजिक ने तो पागल कर दिया यार। क्या म्यूजिक था यार, क्या लिरिक्स थे, क्या कंपोजिशन है यार। लिरिक्स काफी ज्यादा मतलब गहरे लिरिक्स थे, गहरे बहुत गहराई थी यार। मतलब वो वाली लाइन तो मुझे बहुत अच्छी लगी, कोई आस छोड़ जाते और शायद टूटा हुआ दिल मेरे पास छोड़ जाते, वो लाइन काफी अच्छी थी। हाँ मैंने भी इस पे ध्यान दिया था। और वो एक लाइन वो लास्ट में, जो दिल का सहारा वही दिल तोड़ जाते यार, क्या लाइन है यार। एक लाइन और थी यार वो, जिंदगी जिंदगी मुझसे कहे जीना नहीं आए। हाँ, ये ऐसी कुछ लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी। क्या लाइनें हैं यार, कोई जवाब नहीं लाइनों का यार, म्यूजिक का कोई तोड़ नहीं है यार। हाँ म्यूजिक ने तो खैर पागल ही कर दिया हमें। और यार जब वो मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि यार
नॉर्मल हो, नॉर्मल ही है। हाँ 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 भाई, जब वो ढोलक बजी और जब वो यार लाइनें आई ना, हाँ तूने ये देखा कि नॉर्मल लग रहा था स्टार्टिंग में, जब धीरे धीरे करके ना वो उसका ना ग्राफ बढ़ता गया। हाँ फिर वो जैसे तू कह रहा है ढोलक आई, वो जो म्यूजिक आया और वो लाइन, प्यारी लाइन, वो प्यारी लाइन है यार काफी। क्या कहते हैं, दिल मेरे नाल चंगी ना हुई, रब्बा रब्बा दिल मेरे नाल चंगी ना हुई, क्या लाइन है। अगर हिंदी में बोले तो रब्बा मेरे दिल के साथ अच्छा नहीं हुआ, ये इतना ना क्या कहते हैं बोलने में भी इतना सही नहीं लग रहा, फील नहीं आ रही, फील नहीं आ रही वो, ठीक है। और जिस तरीके से मतलब इस वर्सी में ये गाया गया है ना, पंजाबी लिरिक्स में, ओए होए वो दिल जीत लिया यार इस लाइन में, दिल जीत लिया, मजा आ गया यार गाइस, क्या लिरिक्स थे यार, अच्छा वर्सी है यार, मतलब बहुत मजा आ गया। हाँ सुन के मजा आ गया, एक बार और सुनूंगा मैं गाइस। म्यूजिक तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है यार, बहुत ही ज्यादा यार, मेरे को लिरिक्स ने पागल कर दिया, क्योंकि लिरिक्स क्या है कि राइमिंग है इस OST में, इसलिए भी बहुत प्यारा लग रहा है ये। हाँ और मेरे को एक चीज और अच्छी लगी इसमें, लिरिक्स ना बहुत इमोशनल जैसे हैं। हाँ इमोशनल है। लेकिन बट OST जब हम सुन रहे हैं ना तब वो नहीं लग रहे, तब वो यार वो म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक की वजह से, क्या चीज है यार। हाँ म्यूजिक की वजह से ना इतना ना फील नहीं हो रहा कि यार ये थोड़ा मतलब इमोशनल ड्रामा है ये OST। तो गाइस मजा आ गया यार, तो काफी अच्छा लगा हमें, मजा आ गया, थैंक यू सो मच यार, आप लोग हमें इतने अच्छे अच्छे वेस्टी सजेस्ट करते हो। हाँ यार तो ऐसे सजेस्ट करते रहिए और हम यार रिएक्शन देते रहेंगे, आप लोगों के साथ एंजॉय करते हैं यार हम, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे यार एंजॉय, और ऐसे ही रिएक्शन हम देते रहेंगे और OSTs पे, आप हमें सजेस्ट करते रहिएगा, ठीक है। अब और ड्रामा तो यार मेरे को ड्रामा, इमोशनल काफी ड्रामा है। हाँ ड्रामे के बारे में तो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि जब मतलब स्टार्टिंग में डेथ हो जाती है, स्टार्टिंग में ऐसे ही दिखाया गया है कि डेथ हो जाती है, उसके बाद फिर जो बेटियां होती हैं वो खुश नहीं रहती। हाँ वो इनकी शादियां भी हो जाती है, तो थोड़ा तो अभी ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा यार क्या चल रहा है ड्रामे में, क्या हो रहा है। ओवरऑल OST तो यार मतलब OST के बारे में तो क्या ही बोले यार, मतलब OSTs में मेरे को एक चीज और अच्छी लगती है कि हर OST में, ठीक है, हर OST में एक नई चीज होती है, चाहे म्यूजिक ले ले चाहे लिरिक्स, कुछ नया होता है यार, रिलेटेड नहीं लगता मेरे को कुछ कि ये मतलब थोड़ा सिमिलर भी नहीं होता। हाँ पूरा OST मतलब अलग ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और हम मतलब हम और एंजॉय करते हैं, और ज्यादा एंजॉय करते हैं हम, क्योंकि OST पे भाई नयापन तो होता है, कुछ तो होता ही है नया, वही म्यूजिक हो गया, कुछ भी हो गया, लिरिक्स तो यार होती है। और यार साहिर अली बग्गा की आवाज, झमकी आवाज आती है यार, क्या आवाज है यार, मतलब स्टार्टिंग की लाइन है यार, मैं फैन हो रहा हूं धीरे धीरे करके ना, हम फैन है OSTs के यार, OSTs के तो फैन है ही, मैं सिंगर के भी फैन हो रहा हूं यार। एक मेरे को एमा बेग की आवाज अच्छी लगती है, एंड साहिर अली बग्गा, और राज साहब की तो आवाज क्या रही, तो गाइस मजा आ गया, काफी अच्छे हैं यार OSTs। हां और यार सिंगर्स तो ओवरऑल वीडियो भी मेरे को काफी अच्छी लगी। हां ओवरऑल वीडियो काफी अच्छी थी यार। तो गाइस आप लोग बताइए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।